बटेंगे तो कटेंगे को लेकर बाबा बागेश्वर पदयात्रा पर निकल चुके हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पदयात्रा कर रहे हैं। आगे आगे बाबा चल रहे हैं, पीछे हजारों की संख्या में सनातनियों का कारवा चल रहा है। अगले 9 दिनों तक बाबा बागेश्वर ऐसे ही पैदल चलते रहेंगे। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। बाबा के साथ ही साधु संत हैं, बाबा के भक्त हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक पदयात्रा कर रहे हैं। 29 नवंबर तक वो पदयात्रा करेंगे और रोजाना एवरेज 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे। बाबा के साथ देश भर से आए हुए हिंदू भी पैदल चल रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, हिंदुओं के बीच जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, अगड़े और पिछड़े के फर्क को खत्म करना, हिंदुओं को एकजुट करना। परम पति गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अपने समाज को सुरक्षित व्यवस्थित दीजिए। आपको ही कोई असुविधा ना हो उसकी पहचान आप स्वयं बनाएंगे। प्रधान सरकार की ये हजारों की भीड़ का ये हुजूम चारों तरफ दिख रहा है और अभी ये इस पहले दिन की यात्रा के शुरुआती घंटे हैं, जहां पर लगातार आपको ये बाबा के भक्त जिन्हें बाबा पागल कहते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दृश्य में आपको आगे भी लोगों को दिखाऊंगा जो बाबा को देखने के लिए साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें मैं यहाँ पर आपसे लगातार बात भी करूंगा जो बाबा के साथ चलते हुए जा रहे हैं। माता जी कहाँ से जा रही हो? हम नेपाल से, जनकपुर धाम से। नेपाल से? हाँ, जनकपुर से। ये महाराज के साथ चलोगी? चलेंगी चलेंगी। हाँ चलेंगी। क्यों जाना है? क्यों जाना है? क्यों जाना है बाबा के साथ? हम सब क्यों जाना है? हम लोग सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हाँ हिंदू राष्ट्र की धर्म को एक करने के लिए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र एक है। अच्छा, हिंदू भाई भाई। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर लगातार दिखाएंगे। चारों तरफ का दृश्य आप देखिए, ये दूर तक आप देखेंगे हजारों लोगों का हुजूम, ये गड़ा से लेके गंज तक जहाँ पर लोग इकट्ठा है। 5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। हर तरफ भगवा ही भगवा दिख रहा है। बाबा और उनके भक्त हिंदुओं को जगाने के लिए जात पात का भेद मिटाने का संकल्प लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। बाबा का 160 किलोमीटर की दूरी का पूरा रूट मैप क्या है, अब मैं वो आपको बता देती हूँ। बाबा किस रूट से पैदल ओरछा धाम तक जाएंगे, जरा आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज बागेश्वर धाम से पदयात्रा की शुरुआत की। बाबा आज 15 किलोमीटर पैदल चलकर कादरी पहुंचेंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 22 नवंबर को 17 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और छतरपुर के पेप्टिक टाउन पहुंचेंगे, यहां पर वो विश्राम करेंगे। तीसरे दिन 21 किलोमीटर का सफर तय करके नौगांव के शांति कॉलेज में रात्रि विश्राम करेंगे और चौथे दिन नौगांव से 22 किलोमीटर का सफर तय करके देवरी रेस्ट हाउस पहुंचेंगे। पांचवें दिन वो 22 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, मऊरानीपुर पहुंचेंगे और फिर अगले दिन 17 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और घुघसी तक ये यात्रा पहुंचेगी। 17 किलोमीटर का सफर तय करके निवाड़ी और 28 नवंबर को करीब करीब ये सफर तय हो चुका होगा जब वो ओरछा तिगेला पहुंचेंगे। यहां पर रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन यानी कि 29 नवंबर को यात्रा ओरछा धाम पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन कर दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। सबका एक ही इरादा है, एक ही ध्येय है, हिंदुओं को एकजुट करना है, हिंदुओं को समझाना है कि एक हैं तो सेफ है। पद यात्रा में अलग अलग तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। एक संत तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी चोटी से ही रथ खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में तमाम तरह के श्रद्धालु इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु को यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये दमोह के बद्री बाबा हैं। आप देख सकते हैं ये अपनी चोटी से यहाँ पर रथ खींच रहे हैं। ये देखिए
तस्वीरों में इस तरीके से बद्री बाबा भारी रथ को यहाँ खींचते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है इसी तरीके से ये रथ को खींचते हुए ओरछा तक ले जाएंगे। इससे पहले बद्री बाबा जी प्रभु श्री राम जी की पार्थ प्रतिष्ठा में बटियागढ़ से अयोध्या तक 600 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और अब परम पूज बागेश्वर धाम सरकार के आदेश से और आशीर्वाद से यह 10 दिनों का सफर 160 किलोमीटर का बाबा जी तीसरी यात्रा है। मकसद क्या है? देश को हिंदू राष्ट्र, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, जातियों में बटा हिंदू समाज एकजुट होकर हिंदू बने और लगातार जो हमारे टैक्स और हमारे मंदिरों की आय से विधर्मियों का सहयोग किया जा रहा है वह बंद किया जाए, हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके से दमोह के ये बद्री बागबा ये जब फरवरी में राम जन्म भूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दौरान भी तकरीबन 600 किलोमीटर की यात्रा की थी। अपने बालों से ये इसी तरीके से रथ खींच से चलते जाते हैं और इस बार बाबा बागेश्वर के साथ ये पूरे 9 दिन 160 किलोमीटर इसी तरीके से रथ को खींचते हुए चल रहे हैं। बाबा की यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह और जोश बड़ा देखते ही बन रहा है। बुजुर्ग ढोलक लेकर भजन गा रहे हैं, भजन के धुन पर लोग नाच गा रहे हैं। यात्रा में शामिल लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं, राम धुन में लीन नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं मैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल क्यों रहे हैं? बाबा बागेश्वर को इसकी क्या जरूरत है? बाबा बागेश्वर ने यात्रा को लेकर जब इंडिया टीवी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हिंदू सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए पदयात्रा हो रही है। हिंदुओं को जाति पाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं के बीच जात पात की दीवार को मिटाना हमारा मकसद है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को बंटने से बचना होगा। हिंदुओं के बंटने का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदुओं के पास अपने विचारों की तलवार है। मेरे पीछे लहराते हुए ये हजारों झंडे और पुलिस की बैरिकेडिंग, साथ में आप देखेंगे लगते हुए नारे, ये किसी पॉलिटिशियन की रैली नहीं है। ये देश में पहली बार हो रहा है जब एक संत यहाँ पर हिंदू एकता के लिए, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। समूह देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ लोग आए, दूर पहाड़ी पर देखेंगे अगर तो पहाड़ पे भी आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। मकसद साफ है, बाबा बागेश्वर के दर्शन करना। और इस वक्त वो तस्वीरें, ये शायद पहली बार हो रहा होगा जब कोई हिंदू संत हिंदू राष्ट्र के लिए, मांग के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए पदयात्रा पे निकला है। साथ में है बाबा बागेश्वर और हम बात भी कर लेते हैं। धीरेन जी, अमूमन इस तरीके के दृश्य जब झंडे लहराते हैं, हजारों की भीड़ होती है, पुलिस खड़ी है, सुरक्षा है, ये राजनेताओं की रैली में होता है, पहली बार ऐसा? भारत का हिंदू जाग रहा है, ये जागे हुए हिंदुओं का उबाल है। दूसरा, ये लहराते हुए भगवा ध्वज ये बता रहा है कि इस देश में हिंदू एक है, जात पात से हिंदू ऊपर उठ रहा है और हर हाल में हम भारत को भव्य बनाकर हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मन में आया क्यों कि हिंदुओं को जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है? विस्तार से होती हुई कुरूतियां, चाहे वो हमले हो रहे हो अथवा पर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, बिछड़ी पिछड़ी बेटियों, बिछड़े पिछड़े लोगों के नाम पर लड़ाया जा रहा हो, बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हो, व्यभिचार किया जा रहा हो, ये इस देश को दर्शाता है कि इस देश में फूट बहुत है। इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे, ऐसे पिछड़े पिछड़े लोगों के साथ चलकर भारत को भव्य बनाएंगे, भव्य बनाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र की, ये तो आपने बता दिया, जात पात दूर करेंगे, साथ में चल रहे हैं, हिंदुत्व की भावना जमा रहे, हिंदू राष्ट्र की आपके मन में जो संकल्पना है ये कैसे पूरी होगी? इससे संभव होगी, लोग अपने अधिकार को समझेंगे तभी तो लोग हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। अभी तो हिंदू एक ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये हिंदू जग रहा है, हिंदुओं में उबाल आई है, हिंदुओं की क्रांति जाग गई है। निश्चित रूप से यही दृश्य देख करके धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो,
हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो, वो देखो बाल तुम हिंदुओं का। दूसरा, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, हम इस देश में फूट नहीं चाहते, हम हिंदुओं में अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में रामचरितमानस को जलते हुए नहीं देखना चाहते। अगर ये लोग छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पर आप, आपका मिशन साफ है, आपको हिंदुओं से जात पात मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं जाति की गणगणना होना चाहिए, हिंदुओं के अंदर भी सेपरेशन की बात आ रही है। आपको लगता है ये जरूरी है हिंदुओं का डिवीजन करना, जिस तरीके से बात कर रहे? इस देश में 2 जातियां बना दीजिए, एक गरीब की एक अमीर की। वर्तमान में अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। कभी इन लोगों की तरफ देखो, कभी विकास की तरफ देखो। गांव गांव में अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं चरमराई है, शिक्षा नहीं है। इस देश का युवा उपद्रव करने के लिए इसलिए रेडी है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। इस देश के युवा के हाथों में कलम पकड़ाई जाए, तर्कवादी सोच रखी जाए, और हिंदुओं को हम चाहते हैं वैदिक पद्धति की ओर हिंदू वापस आवे और हिंदू एक हो जावे। ये भी कहा कि इस देश में देखा गया राम मंदिर लेने में 500 साल लग गए, काशी मथुरा बाकी है, तमाम। इस मिशन के लिए क्या आपकी और सोच बन के आगे आ रही है? यही उसकी एक सबसे बेहतरीन रणनीति है। भारत के साधु संतों को, आचार्यों को, अब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा, मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा को अगर हिंदुओं को चाहिए, इनको सूटर वाले दादा को बुलाओ, काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। सब अपने काम में व्यस्त हैं, सब बिजी हैं, किसी को टाइम नहीं है, अपनी अपनी माया में सब व्यस्त हैं। राजनेता वोटों में मस्त हैं, चुनाव में मस्त हैं। अब इस देश को बचाने की बात कौन कर रहा, जात पात मिटाने की बात कौन करेगा? इसलिए अब हम सब हिंदुओं को 1 घंटा आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी गीता रामायण को सुरक्षित रखने की, हर रोज की बात कर रहे हैं, हर रोज कॉल देना पड़ेगा। और आपने ये भी कहा कल जब मेरी बात हो रही थी, जिस तरीके से लगातार ये मस्जिदें हो रही है मजार, कि कहीं कोई मजार अगर यही ना बना रहे बागेश्वर में, ये संकट दिख रहा है आपको इस तरीके? लोग, बाबर आया अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजारें बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहाँ प्रभु प्रकट भए वहाँ इनकी मजार का क्या काम है? हैं? काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहाँ पर मजार कहाँ से आ गई? ये तो बनाई हुई है, बहुत अभिनंदन निर्दयता के साथ में, बहुत बर्बरता के साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मठ मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन अब इस देश में अत्याचार नहीं हम होने देंगे, इन हिंदुओं को साथ लेकर के जो अत्याचार करेगा उसको या तो भारत छोड़वाएंगे नहीं तो उसकी बुद्धि बदलवाएंगे। आपने कहा कि आपको मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, और मुस्लिम अगर हैं भी तो वो भी आपके मुताबिक कन्वर्टेड रहे शुरू से? उन इस देश में जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, असली मुसलमान तो अरब में हैं, अरब के मुसलमान तो स्वागत ही करते हैं। जो यहाँ पर ईसाई हैं, कन्वर्टेड ईसाई हैं, इसलिए अब उन लोगों को बढ़िया मौका है, 400-500 साल बाद उन्हें इतिहास जगाने के लिए ये सब महात्मा आ गए रोड पर। कहने का मतलब अच्छा वापसी कर लो तो अच्छा मौका है उन्हें, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंडिया टीवी के माध्यम से आमंत्रण दे रहे हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से? बिल्कुल दे रहे हैं, तुम तो मैसेज लो, भेज दो। क्या मैसेज भेजते हैं? आ जाए, स्वागत है, वेलकम टू यू, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बाप आगे, लेकिन एक और सवाल, आखिरी एक आध दो सवाल बचे। लंबी पदयात्रा, आपने एक कहा है जब तक भारत राष्ट्र नहीं बनेगा पदयात्राओं में आप चप्पल नहीं पहनेंगे, पादुका हाँ, और ये नग्ने पाओ। जब 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 भी पदयात्रा होगी हम तब तब यह पादुका प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता, ऐसा हमने सुना है। हमने अपने जीवन का तो एक हिसाब से त्याग ही कर दिया, हमारा कोई अपना सिद्धांत बचा नहीं। हमारी सिर्फ हिंदुओं से एक ही अपील है कि अभी नहीं जागे कभी नहीं जाग पाओगे। हमें तुमसे ना दान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना मान चाहिए, हमें तो इस देश के हर दिल में सिर्फ भगवान चाहिए। पदयात्रा पर निकलने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में
पूजा अर्चना की। मंदिर में विधि विधान से पूजा की गई, बालाजी का आशीर्वाद भी लिया, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा बागेश्वर का मानना है कि मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इस मातृभूमि से किसे प्रेम है और कौन नफरत करता है। इसलिए पदयात्रा में शामिल लोगों के साथ राष्ट्रीय गान उन्होंने गाया, तिरंगा फहराया और भीड़ ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। पदयात्रा की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ हुई। हजारों की भीड़ ने बाबा बागेश्वर के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाबा बागेश्वर ने यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना, इसके लिए हनुमान चालीसा के पाठ के साथ ही पदयात्रा की शुरुआत की। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में भारत से ही नहीं बल्कि नेपाल से भी हिंदू शामिल हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आखिर लोग बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा में क्यों शामिल हो रहे हैं? बाबा बागेश्वर से उनकी खुद की क्या उम्मीद है? समझिए अनुराग अमिताभ से इसकी रिपोर्ट के जरिए। बाबा बागेश्वर की 9 दिन चलने वाली हिंदू जोड़ो यात्रा में सिर्फ भारत से ही नहीं पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग अपने साथ समर्थन लेकर आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरी जो भीड़ है ये नेपाल से बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में जो सनातन एकता पद यात्रा है उसमें शामिल होने आई है। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं और यहाँ पर बीते 24 घंटे से मौजूद है। की आप कहाँ से आए? हम जनकपुर धाम नेपाल से हैं। नेपाल से यहाँ तक किस भावना के साथ आए? हमारे जो गुरुजी ने, जो पूज्य गुरुदेव महाराज ने जो संकल्प लिया है सनातन हिंदू एकता के लिए, तो हम पड़ोसी मुल्क नेपाल का हैं, वहाँ पर हम लोग 90% हिंदू हैं, वहाँ पर हम अभी भी सुरक्षित नहीं है। पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अभी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हो गया है, वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है। जब हमारे मुल्क पर मुल्क यहाँ सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी नेपाल में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सनातन एकता और हिंदू राष्ट्र भारत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इतना लंबा पहले चलेंगे वो तो नॉर्मल ही है। अरे हिंदू सनातन के लिए, गुरुदेव भगवान के लिए तो हम लोग इतना ही नहीं, जब तक संकल्प पूरी नहीं हो तब तक चलने के लिए तैयार है। जय जय श्री राम। जब तक प्राण है ये जान है, बागेश्वर धाम जी ने, सरकार ने संकल्प लिया है कि अखंड भारत बना के रहेंगे और लोगों ने उन्हें बोला भी हमें मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारा ये कहना है कि हमारे अगले में तुम्हारा क्या काम है, यही कहना है हमारा। और इसी के साथ जय जय श्री राम, एक का ही नारा एक का ही नाम। ये इस भारत के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? भारत में शीघ्र हिंदू राष्ट्र बने, जो कि एक लीडर बन के पूरे वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र की उसकी हर जगह हिंदू राष्ट्र की एक नारा जाना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं। आप भी चलोगे पैदल? हाँ चलूंगी, मैं पैदल चलूंगी। हाँ 160 किलोमीटर है। हाँ चलूंगी, हम लोग आए हैं जनकपुर से, आए हैं जनकपुर धाम से। नहीं इतनी हिम्मत बालाजी का, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म स्थापना के लिए 14 साल का वनवास तक किए थे। अरे हम ही उन्हीं के संतान हैं। ये 12 वर्ष नहीं 12 जन्म लग जाए तो भी हम लोग चलने के लिए तैयार है, हम लोग धर्म से पीछे हटने वाले नहीं है। जय श्री राम। देख सकते हैं सिर्फ
भारत से ही नहीं तमाम हिस्सों से देश के और उसके अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लोग बाबा की यात्रा में शामिल होकर उन्हें समर्थन देने आए। क्या अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदुओं को जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक की ये पदयात्रा आखिर क्यों निकाली। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का ओरछा धाम का कनेक्शन क्या है, आइए ये भी आपको बता देती हूँ। दरअसल बाबा बागेश्वर हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं। ओरछा धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर प्रभु श्री राम की पूजा भगवान के तौर पर नहीं होती बल्कि राजा राम के तौर पर की जाती है। 450 साल पहले यहाँ यानी कि 1574 में ओरछा में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया गया था। यहाँ से तत्कालीन राजा मधुकर शाह ने उनका राज्याभिषेक किया और उन्हें अपना राजपाट सौंप दिया। तब से ये माना जाने लगा कि यहाँ के राजा प्रभु श्री राम हैं और रोजाना उनके मंदिर में प्रभु श्री राम को सुबह शाम गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, यानी कि ओरछा की महत्ता प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। इसलिए बाबा बागेश्वर ओरछा तक पदयात्रा कर रही हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। बाबा बागेश्वर ने महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों से ठीक 2 दिन पहले अपने हिंदुओं को जगाने वाली पदयात्रा शुरू की। ऐसे में अब पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतेंद्र सिद्धारमैया ने सीधे तौर पर कहा कि हिंदू राष्ट्र से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। ದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶನ ಕೇವಲ ಒಂದು ತರ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ ಮಾರ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ एक तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे हिंदू राष्ट्र को खतरनाक बता रहे हैं, तो वहीं तेलंगाना से बीजेपी विधायक और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता टी राजा खुद बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल होने के लिए तेलंगाना से मध्य प्रदेश आ रहे हैं। 21 नवम्बर से लेकर 29 नवम्बर तक एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पद यात्रा का उन्होंने आयोजन किया गया है, तो मैं 22 नवम्बर के दिन छतरपुर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तेलंगाना राज्य से राजा सिंह मेरा नाम, मैं उस कार्यक्रम में आने वाला हूं। तो मेरे जितने भी जो मेरे सनातनीय हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू है और हिंदू राष्ट्र हमारा संकल्प है, ऐसी सोच रखने वाले महाराज जी की इस पदयात्रा को सफल करने के लिए एक हिंदू वीर 100 हिंदू वीरों को लाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। जो महाराज जी की यात्रा 21 नवंबर से प्रारंभ हुई है और यह यात्रा 29 नवंबर तक चलेगी, तो जहां जहां जिस जिस क्षेत्र से महाराज जी गुजरेंगे, सभी लोग महाराज जी का साथ देना, सभी लोग महाराज जी से जुड़ जाना, यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा। और मैं महाराज जी की इस यात्रा में जुड़ने के लिए 22 तारीख के दिन 22 नवंबर के दिन आपके छतरपुर आने वाला हूं। भारत माता की जय, जय सियाराम।